गाइस यार पता नहीं क्यों कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई खुद को वैक्यूम सील करो, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, बहुत मजा आएगा। तो गाइस यार देखो, हो सकता है कि कुछ लोगों को इस बारे में पता नहीं हो कि हमने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी 2 महीने पहले वीडियो बना रखी है और यकीनन उस वीडियो के अंदर बहुत मजा आया था भाई। जिसके अंदर क्या किया था, मैं खुद वैक्यूम सील हुआ था। जी हाँ गाइज, मैंने खुद को ही वैक्यूम सील कर डाला था। तो गाइज यार जिसको भी वैसा कुछ देखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके उसे देख लेना। और साथ ही साथ गाइज वो वीडियो मेरी फेवरेट वीडियोस के अंदर से एक थी। जी हाँ गाइज, वो वीडियो मेरी फेवरेट वीडियोस के अंदर से एक थी। लोल। तो गाइज यार देखो, अभी दोबारा उसी सेम एक्सपेरिमेंट को करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि गाइस यार जिस चीज को आपने पहले ही देख रखा है उसी चीज को दोबारा दिखाने से यार ना तो आपको मजा आएगा ना ही मुझे मजा आएगा, और साथ ही साथ अभी वो चीज बिल्कुल कॉमन हो गई है। गाइस इस बार क्या करते हैं, कुछ हटके करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो कि यूनिक हो, जिसके अंदर आपको मजा आए मुझे मजा आए। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, उसी सेम एक्सपेरिमेंट को दोबारा करेंगे, लेकिन इस बार हम उसे और भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाएंगे और उसे ही बनाएंगे टाइटेनियम आर्मी के लेवल का एक्सपेरिमेंट। जी हाँ गाइस, तो आप बस इस वीडियो को पूरी देखना और मैं आपको बताता हूं वैक्यूम सीलिंग का असली पावर। अरे कैमरा ऑन है, एक्शन। ऑलराइट गाइस, तो यार आज की इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से हमारे पास है हमारा प्यारा वैक्यूम क्लीनर, जिसकी मदद से हम वैक्यूम सीलिंग करते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास है यहाँ पर ये पॉलीथीन। और गाइस आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक वाली पॉलीथीन है जो कि कचरा वचरा डालने के इस्तेमाल में ली जाती है, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी वाली है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा पतली है भाई। ये बहुत हल्की है और इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम इस पॉलीथीन और इस वैक्यूम क्लीनर और साथ ही साथ हमारे पास एक और चीज़ है, हमारा बलि का बकरा। आज की इस वीडियो में ये बलि का बकरा है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसा करेंगे जिसे देखने के बाद आपको आपकी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। चल कड़ाओ। तो गाइस आइडिया ये है कि हम क्या करेंगे, इस पॉलीथीन को कुछ इस तरीके से लगाएंगे और फिर इस पॉलीथीन और इस वैक्यूम क्लीनर की मदद से इस हट्टे कट्टे नौजवान को इस दीवार पे चिपकाने की कोशिश करेंगे। गाइस देखो, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये चीज़ काम करेगी या फिर नहीं करेगी, बस देखते जाओ। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि इसकी मुंडी बाहर निकालेंगे यहाँ से, इसके पैर भी बाहर निकाल देंगे इस पॉलीथीन में से, और फिर इस पॉलीथीन को यहाँ से इस दीवार पर इस हल्के वाले टेप की मदद से चिपका देंगे, इस वाले टेप की मदद से। और गाइस आपको पता है यार कि इस तरह की जो टेप है वो दीवार पर इतनी ज़्यादा पकड़ नहीं करती है, तो यहाँ पर टेप तो बस इसलिए है कि इसके अंदर बाहर की हवा ना घुसे। तो चलो टेप चिपकाते हैं, इसकी मुंडी बाहर निकालते हैं और फिर इसी गाइस। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने हमारे बंदे को इस दीवार के साथ में खड़ा कर रखा है और इसका जितना भी लोड है, जितना भी वजन है, वो पूरा अभी इस टेबल के ऊपर है और इस पन्नी को हमने इस टेप की मदद से चारों तरफ से सील कर रखा है। ऑलराइट गाइस, तो अब आपको क्या लगता है, एक बात बताओ, हम क्या करेंगे अब इस वैक्यूम क्लीनर की मदद से इसे सील करेंगे इसे सील करेंगे और उसके बाद में इस टेबल को हटा देंगे और फिर देखते हैं कि ये जो बंदा है इस दीवार के सहारे सिर्फ वैक्यूम की मदद से चिपक पाता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है एक पतली सी पॉलिथीन और सिर्फ वैक्यूम की मदद से? जो भी लगता हो अभी कमेंट करो। और अब हम फटाफट से वैक्यूम क्लीनर को ऑन करते हैं। तो इसे ऑन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा खड्डा करता हूँ इसकी मदद से, बस और बस। ऑलराइट गाइस, अब वैक्यूम क्लीनर को ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ऑलराइट, तैयार है? हाँ, गिर तो नहीं जाऊंगा। हाँ मैं ना, विश्वास रख मुझ पे, नहीं तो साइंस पे रख। ऑलराइट गाइस, 1 2 3। देख सकते हैं कि हमारा जो बंदा है वो पूरी तरीके से वैक्यूम सील हो चुका है। अब टेबल हटा के देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ओए हटाए, टेबल हटाए, टेबल हटाते, टेबल हटाते, 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 वो 1 2 3 4।
और इस पतली से पॉलिथीन की मदद से दीवार पे चिपका हुआ है। देखो 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 गाइस, अब वो आना है यार, टाइटेनियम ने मार मिके लेवल का एक्सपेरिमेंट। और गाइस यार यकीन मानो यार, देखो तो सही, फिर यार पतली से पॉलिथीन और वैक्यूम की मदद से हमारा हट्टा कट्टा 70 किलो का नौजवान दीवार से चिपक गया। देखो देखो, ये इतना ज्यादा वैक्यूम सील हो रखा है कि यहाँ पे देखो। तो गाइस यार यहाँ पर अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप देख सकते हैं गाइस, और मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का राज। देखो सुनो, देखो अब आप समझ सकते हैं कि जो बाहर का एटमोस्फेयरिक प्रेशर है वो कितना ज्यादा है। अंदर से हमने सारी हवा बाहर निकाल दी है, तो बाहर की जो हवा है वो हमारे बंदे पर इस तरीके से प्रेशर लगा रही है, और उसी एटमोस्फेयरिक प्रेशर की वजह से हमारा बंदा दीवार पे चिपका हुआ है, वो भी 70 kg का। कैसा लग रहा है? अबे पूरा टाइट टाइट हो गया, हड्डियां हिल रही है। ओए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऑलराइट गाइस, और जैसे ही मैं वैक्यूम क्लीनर को अब ऑफ करूंगा, सारा वैक्यूम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। गिर रहा है। और ये फिर से चिपक गया। दिस इज ऑसम गाइस, है ना यार, काफी क्रेजी आइडिया, काफी क्रेजी एक्सपेरिमेंट, एक्सट्रीम लेवल का। एक बार और देख लो यार, हट जाओ, एक बार बंदा देख लो, आप देख लो यार। जब कभी चोर आ जाए ना, चोरों के साथ भी ऐसा करना चाहिए, एक पतली पॉलिथीन लेनी चाहिए, वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए और उसे दीवार पे चिपका देना चाहिए। तो गाइस यार अभी हमारा बंदा चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो अपने आप को इस चीज से छुड़ा नहीं सकता है, क्योंकि इसने पूरी तरीके से जकड़ रखा है वैक्यूम ने उसे। तो गाइस यार जैसे ही पॉलिथीन के अंदर छेद हुआ, बाहर की हवा ने अंदर एंटर किया और अंदर का जो वैक्यूम है वो खत्म हो गया, और हमारे बंदे की पकड़ भी छूट गई और वो सीधा ही नीचे आ गया। कैसा फील कैसा हुआ? कैसा फील? टाइट हड्डियां पूरी जम, एक जगह स्ट्री हो गई, जैसे बर्फ से जम जाते ना। रवि बादशाह देखो जल्दी आजी, मैं ना थंबनेल लेना भूल गए। तो विक्की को दोबारा से चिपकाएंगे दीवार पे, रवि को, मैं इसे प्यार से विक्की बुलाता हूँ, तो रवि को दोबारा से दीवार पे चिपकाएंगे और फिर थंबनेल लेंगे। तो गाइस यार आई होप ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी, कुछ नया देखने को मिला होगा, कुछ हटके देखने को मिला होगा। अगर ऐसा हुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।